हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी प्रार्थना का जीवन जिए। आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने की बात तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रार्थना करने की, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना के साथ साथ बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं, क्योंकि एक मसीह के लिए बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपके जीवन में दो बातें होनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति होने चाहिए, दूसरी बात आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। कम से कम दिन में दो बार प्रार्थना हर एक मसीह को करना चाहिए, और वो दो बार प्रार्थना कौन सा, सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल में से पांच ऐसे वचन बताने वाला हूं जो सुबह की प्रार्थना से पहले आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो आपके प्रार्थना का जीवन और अच्छा होगा। जब भी आप सुबह सोकर उठते हैं, उठने के बाद जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, उससे पहले इन पांच वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, इनके अनुसार अपने जीवन में हर बातों को करेंगे, तो आपको प्रार्थना करने में और मदद मिलेगी। पवित्र आत्मा की ओर से आपको प्रार्थना करने की अगुवाई मिलेगी और आप अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे। तो वो कौन कौन से बाइबल के वचन हैं, मैं एक एक करके आज आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान पूर्वक आज के वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है, आपके प्रार्थना के जीवन को बदलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन एक प्रार्थना का जीवन हो, तो जरूर आप इन पांचों वचनों को सुनिए, समझिए और इनके अनुसार जीवन जिए और प्रार्थना में निरंतर बने रहिए। तो सबसे पहला जो वचन है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वो है पहला पत्रस की किताब, उसका 5:7। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, और अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। अगर आप सुबह सोके उठते हैं तो बहुत सारे लोग पूरे दिन की परेशानियों को लेकर अपने माइंड में रखते हैं कि अब मैं पूरा दिन क्या करूंगा, कैसे मेरा काम होगा, किस प्रकार से मैं अपने सारे चीजों को संभालूंगा, यानी बहुत सारी चिंताएं लोगों के जीवन में होती हैं। लेकिन यह वचन क्या कह रहा है कि सुबह जब तुम उठते हो, प्रार्थना करो और अपनी चिंताओं को किस पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो। जब भी आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले इस वचन को याद रखिए कि आपकी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंपना है। प्रार्थना में कहना है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में परेशानी है, मैं इस चीज से दुखी हूं, प्रभु आप मुझे इससे छुटकारा दीजिए। जब आप सुबह की प्रार्थना में इस वचन को पढ़ते हैं और इसके अनुसार आप प्रार्थना करते हैं, तो आपकी चिंताओं को परमेश्वर उठा लेंगे और आपको उस चिंता से मुक्त होना पड़ेगा, मुक्त कर देंगे और आप एक अच्छे शांति का जीवन जी पाएंगे। तो ये पहला वचन हमेशा याद रखें कि अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पे डाल दें। और हम दूसरा वचन जब पढ़ते हैं तो वो दूसरा वचन क्या है, वो है यशायाह नबी की किताब और उसका 41:10। जब इसको पढ़ते तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये प्रभु का एक विश्वास और परमेश्वर का एक जो वायदा है वो एक विश्वासी के लिए है। प्रभु कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। आज सुबह जब तू सोकर उठा है तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब हम सोकर उठते हैं तो हमें दिन भर कौन चलाता है, परमेश्वर चलाता है। और कहता है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्या करूंगा दिन भर, कैसे रहूंगा, हमारे घर का सामान कहां से आएगा, खाना कहां से आएगा, नौकरी क्या है नहीं है, ये सब चिंताओं को परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता मैं करूंगा। आज बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं तो वो अपने सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं, कैसे होगा। इसीलिए इस वचन को याद रखें, प्रभु कहता मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने दाहिने हाथ से, धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तो प्रभु आपको संभालने वाला है। मेरे प्रियो,
इसीलिए जब भी आप सुबह उठे सोकर सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना करें और इस वचन को याद रखें कि प्रभु कहता है मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया। अगला जो वचन है वो तीसरा जो वचन है सुबह प्रार्थना करने से पहले जो पढ़ना है वो तीसरा वचन भजन संहिता से हम पढ़ेंगे, वो है भजन संहिता और उसका 118 अध्याय और उसका 24 आयत। 118 के 24 में इस प्रकार से लिखा है, आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है हम इसमें मगन और आनंदित हों। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है हम इसमें मगन और आनंदित हो। मेरे प्रियो, जिस दिन आप एक नया दिन देखते हैं, जब आपकी आंखें खुलती हैं सुबह, जब आप दिन को देखते हैं, वो दिन किसने बनाया? वो परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए मगन और आनंदित होने का दिन है। आपके जीवन में कुछ परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगा, कोई मुसीबत होगा, तो आपको दुखी नहीं होना, प्रभु से कहना है, प्रभु जैसे हमने पहले वचन में क्या पढ़ा कि सारे संकट मुसीबत तो को परमेश्वर पर डाल दो, उसी प्रकार यहां आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, उस दिन आनंदित और मगन रहना है हर किसी के जो भी मसीह में विश्वास करते हैं। मैं जानता हूं कि सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी रहती है, लेकिन हम आनंदित और मगन कैसे हो सकते हैं? परेशानी के मध्य में हम आनंदित और मगन नहीं हो पाते हैं। मनुष्य की बुद्धि यही है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि अलग है। प्रभु कहता है कि तू अपनी परेशानी को जब मेरे पास लेकर आएगा तो मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आनंदित करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना करता है और अपनी परेशानियों को प्रभु के हाथों में समर्पण करता है और जो दिन परमेश्वर ने दिया है उस दिन को देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वही व्यक्ति आनंदित और मगन रह पाएगा। चाहे उसके जीवन में कितनी भी दिक्कतें हो, कितनी भी मुसीबत हो, केवल वही आनंदित रह सकता है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। इसीलिए इन सारे वचनों को आप जब सुन रहे हैं आप प्रार्थना सुबह के करना शुरू कर दीजिएगा। तो जो 5 वचन आज मैं बता रहा हूं ये हर एक वचन आपके लिए जरूरी है, इसलिए सारे वचनों को आप अपने जीवन में लागू जरूर करिएगा। चौथा जो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो भी भजन संहिता से हम पढ़ेंगे। चौथा वचन है भजन संहिता उसका 143 अध्याय और उसका वचन 8। देखिए यहां पर क्या लिखा, लिखा है अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर ही लगाता हूं। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अपने मार्ग मुझे दिखा, अपनी करुणा की बातें मुझे सुना, जिस मार्ग पे मुझे चलना है वो मुझे बता दे और मेरा मन तेरी ओर ही लगाता हूं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाता है, मान लीजिए आप सुबह सोकर उठ रहे हैं, रात को आप सोने गए हैं, आपके बहुत सारी परेशानी थी, आपने प्रार्थना किया प्रभु अच्छे से मुझे संभालना, मेरे परिवार को अच्छी नींद देना, और आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके रात को सो गए। अब सुबह जब आप उठते हैं वही चिंताएं परेशानी आपको घेर लेती हैं, तब परमेश्वर क्या कह रहा है, याद रख कि मैं तेरे साथ हूं और अपनी सारे परेशानियों को प्रभु पे डाल दे और साथ ही साथ प्रभु से मार्ग पूछें कि जिस मार्ग पे मुझे चलना, प्रभु आज दिन भर मुझे क्या करना है आप मुझे दिखाइए, परमेश्वर किस मार्ग पे मुझे जाना है, मुझे दिन भर क्या काम करना है, कौन सा काम मेरे लिए सही है, कौन सा काम मेरे लिए गलत है, इस बात को प्रार्थना करके प्रभु से पूछना है। इसीलिए सुबह की प्रार्थना बहुत जरूरी है। देखिए एक विश्वासी के जीवन में सुबह और शाम की प्रार्थना तो होनी ही चाहिए क्योंकि वो बहुत जरूरी, जब सुबह उठते हैं तो दिन की शुरुआत के लिए प्रार्थना करना है और जब रात को सोते हैं तो रात में अच्छी नींद और हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। तो सुबह इस प्रार्थना को जरूर करिएगा, प्रभु कि मुझे किस मार्ग पर चलना है आप मुझे बता दीजिए, मुझे बताइए कि मेरा मन कहां जाना चाहिए, मुझे किस बात पर ध्यान लगाने की जरूरत है। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि तू अपने सारे मार्गों को जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना है, जिस मार्ग पर तुझे चलना वो परमेश्वर से सीखना है। तो इसीलिए इस वचन को हमेशा याद रखे मेरे प्रियो। अगला जो अंतिम 5वां वचन है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वो है भजन संहिता से ही 119 अध्याय और उसका वचन 116। यहां पर जब हम पढ़ते हैं देखिए लिखा है, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं और मेरी आशा को ना तोड़। यहां पर परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, हालेलुया, और मुझे जीवित रख। परमेश्वर में जीवित रहना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और हमारी आशा क्या है, हमारी आशा है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हर एक व्यक्ति चाहता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे वो यीशु मसीह के साथ जाए। इसीलिए प्रभु कहता है कि अपनी आशा को संभालना तो परमेश्वर पे विश्वास रखो। हर दिन सुबह उठते ही ये 5 वचनों को जब आप पढ़ते हैं, इनके अनुसार अगर आप प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन होगा, आप प्रभु के संग अच्छे से चल पाएंगे। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी के लिए सुबह की प्रार्थना बहुत
बहुत ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ जो 5 वचन मैंने आज आपको बताए हैं, इन 5 वचनों को आप अपने जीवन में ज़रूर लागू करेंगे। अगर आप इन 5 वचनों को पढ़कर प्रार्थना में बैठते हैं, आप देखेंगे कि आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलनी शुरू हो जाएगी और आप आत्मा में प्रार्थना कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताया, उन बातों पर ज़रूर आप गौर करिएगा और प्रभु में बढ़िएगा, क्योंकि प्रार्थना का जीवन हर एक विश्वासी के लिए होना चाहिए और परमेश्वर इसी बात से खुश होता है कि उसके लोग उसकी बातों को मानते हैं। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों के पास भी ये वचन पहुंचे और वो भी प्रार्थना में मजबूत हो सके। एक दूसरे को संभालना और उन्हें प्रभु में बढ़ाना हम सबका काम है, इसीलिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।